ग्वालियर पुलिस ने उड़ीसा से ट्रक में गांजा छिपा कर ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 23,20,000 कीमत का 20 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है। आरोपी उड़ीसा से ग्वालियर होते हुए राजस्थान में जा रहे थे। बताया गया है कि ग्वालियर SSP अमित सांघी को मुखबिर से सूचना मिली कि मादक पदार्थ तस्कर एक ट्रक में झांसी की तरफ से गांजा लेकर जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच और बिलोआ थाना की पुलिस की संयुक्त टीम को गांजा तस्करों को पकड़ने के लिए भेजा गया। टीम ने जौरासी घाटी पर चेकिंग के दौरान डबरा की तरफ से आए ट्रक क्रमांक RJ11GA6031 को रोका तो ट्रक चालक सहित 2 अन्य व्यक्ति कूद कर भागने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ करने पर ट्रक चालक ने अपना नाम मुनेश सिकरवार निवासी ग्राम ऐला थाना सैया आगरा उत्तर प्रदेश बताया। अन्य 2 लोगों ने अपने नाम लवकुश शर्मा और जितेंद्र सिंह निवासी सिरोना धौलपुर राजस्थान बताए। ट्रक की तलाशी लेने पर सीट के नीचे प्लास्टिक की बोरी रखी मिली जिसमें गांजा भरा हुआ था। तस्करों ने पुलिस को बताया कि वे उड़ीसा से गांजे को लेकर राजस्थान जा रहे थे। गांजे की तौल कराने पर उसका वजन 20 किलो 300 ग्राम निकला जिसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपये है। पुलिस ने गांजा तस्करों के विरुद्ध नारकोटिक्स अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच और थाना मुना के क्राइम ब्रांच और थाना बलुआ के ने कंबाइंड कार्रवाई करते हुए गांजे का एक ट्रक को पकड़ा है। कल सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक ट्रक गांजे का आ रहा है और इस पर क्राइम ब्रांच एवं बलुआ टीम ने बलुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस एक ट्रक को जो संदिग्ध ट्रक को रोका गया और उसमें जब तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 20 किलो 500 ग्राम गांजा मिला है और उसमें जो 2 आरोपी कुल मिलाकर 3 आरोपी उसमें मिले हैं। उसमें जब लिंक जब उनसे पूछताछ की गई आरोपी से तो आरोपी के द्वारा ये बताया गया कि वो उड़ीसा से लेकर आ रहे थे और धौलपुर राजस्थान ले जा रहे थे। ये तीनों ही आरोपी धौलपुर के रहने वाले हैं और इसमें इनका आपराधिक रिकॉर्ड एक व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है और इसमें अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। इसमें मास्टरमाइंड जिसने मंगवाया था ये ट्रक उसको पुलिस ने उठा लिया तो कुल मिलाकर 3 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए हैं।